डियर फ्रेंड्स नमस्कार, यू आर वेलकम इन वीडियोज इंग्लिश रीडर क्लास ई। क्वेश्चन एंड आंसर। कंप्लीट द टेबल। व्हाट्स वाटरफॉल अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड एंड द मदर। सारणी पूरी करो। बच्चा तथा माँ के अनुसार पानी किसके लिए है? अकॉर्डिंग टू द मदर, टू वॉश धोने को, टू ड्रिंक पीने को, मेकिंग टी चाय बनाने को, बाथ नहाने को, स्क्रबिंग रगड़ने को, शाइनिंग अ कार चमकाने, वाटरिंग टोमेटोज टमाटरों को धोने, शिफ्टिंग डर्ट धूल हटाने को। अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, पैडलिंग इन वेलीज डबरे पर चलने, फा स्क्वर्टिंग पिचकारी मारने, स्प्लैशिंग छीटा मारने, सोकिंग भिंगोने को, मिक्सिंग विथ मड कीचड़ के साथ मिलाने, स्प्रेइंग फव्वारा मारने, स्लिट कीचड़ में कूदने। वेयर डिड द शूमेकर लीव, जूता बनाने वाला कहाँ रहता था? द शूमेकर लिव्ड इन अ लिटिल हाउस ऑन द एज ऑफ अ वुड, मोची जंगल के किनारे एक छोटे से घर में रहता था। वाई वॉज द शूमेकर पुअर, मोची गरीब क्यों था? द शूमेकर वॉज पुअर बिकॉज देयर वर नॉट मेनी पीपल हु वुड बाय शूज फ्रॉम हिम, मोची गरीब था क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे जो उससे जूते खरीदते। What did the shoemaker do when he saw a better pair of shoes? मोची ने क्या किया जब वह एक अच्छे जूते की जोड़ी को देखा? He was surprised to see a better pair of shoes and sold them at once. वह अच्छे जूते की जोड़ी को देखकर आश्चर्यचकित था तथा उन्हें तुरंत बेच दिया। How did the shoemaker become rich? मोची धनी कैसे हो गया? द एल वॉज नाइसली मेड शूज फ्रॉम लेदर लेफ्ट बाय शूमेकर। द शूज प्लेज्ड एवरीवन एंड एवरीबडी वांटेड टू बाय शूज फ्रॉम शूमेकर। इन दिस वे ही बिकम रिच। बौने मोची द्वारा छोड़े गए चमड़े से सुंदर जूते बनाते थे। जूते हर किसी को प्रसन्न करते थे तथा सब मोची से जूता खरीदना चाहते थे। इस प्रकार वह धनी हो गया। व्हाट डिड द शूमेकर एंड हिज वाइफ कीप द लिटिल एल्वस। मोची तथा उसकी पत्नी ने बौनों को क्या दिया? द शूमेकर एंड हिज वाइफ गेव द लिटिल एल्वस लिटिल कोट्स ट्राउजर्स एंड टाइनी शूजेस। नए बौनों को मोची तथा उसकी पत्नी ने छोटा कोट पैजामा तथा छोटे जूते दिए। व्हाई डिड द लिटिल एल्विस नेवर कम बैक। नन्हे बौने कभी वापस क्यों नहीं आए? द लिटिल एल्विस नेवर कम बैक बिकॉज देयर सीक्रेट वॉज रिवील एंड देयर पर्पज वॉज फुलफिल्ड। नन्हे बौने कभी वापस नहीं आए क्योंकि उनका रहस्य खुल गया था और उनका उद्देश्य पूरा हो गया था। Why were the people unhappy with Rajvarma's administration? लोग राजवर्मा के प्रशासन से असंतुष्ट क्यों थे? The people were unhappy with Rajvarma's administration because of his lack in experience, hasty decisions and bad management of the state affairs. लोग राजवर्मा के प्रशासन से उनके अनुभव की कमी, शीघ्रतापूर्ण निर्णय तथा राज्य के मामलों में खराब प्रबंधन से दुखी थे। What was Tenali Raman's plan to remove the artist from his new job? किस प्रकार को उसके नए कार्य से हटाने के लिए तेनाली रमन की क्या योजना थी? तेनाली रमन invited the king for lunch. The food was unbearably hot and badly cooked. It was cooked by an excellent carpenter. When the king asked
why he employed a carpenter as a cook. Tenali Raman replied, if an artist can become a chief minister, why can't a carpenter become a cook? Tenali Raman ne raja ko bhojan par bulaya. Bhojan tikha va aswadisht bana tha. Yah ek yogya badhai dwara banaya gaya tha. जब राजा ने पूछा उसने एक बढ़ई को रसोइये के रूप में क्यों नियुक्त किया, तेनाली रामन ने उत्तर दिया, यदि एक चित्रकार मुख्यमंत्री बन सकता है तो बढ़ई रसोइया क्यों नहीं बन सकता। Why did तेनाली रामन ask a carpenter to cook food for his feast? तेनाली रामन ने अपने यहाँ दावत के लिए बढ़ई को भोजन पकाने क्यों कहा। Tenali Raman wanted that the king should realize his mistake in making an artist the chief minister. Tenali Raman चाहता था कि राजा एक चित्रकार को मुख्यमंत्री बनाने की गलती को महसूस करे। What does the title major for major mean? शीर्षक मापदंड का पैमाना का क्या आशय है? Major for major means कैपेबल पर्सन फॉर वैल्यूबल पोस्ट। मापदंड का पैमाना का आशय है महत्वपूर्ण पद के लिए योग्य व्यक्ति। मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प अ ट्री टू लिव। उन वस्तुओं की सूची बनाओ जो एक वृक्ष को जीवित रखने में सहायता देते हैं। द थिंग्स दैट हेल्प अ ट्री टू लिव आर सोइल वाटर लीव्स रूट्स sunlight etc. वस्तुएं जो वृक्ष को जीवित रखने में सहायता करती है वे है मिट्टी, पानी, पत्तियां, जड़ तथा सूर्य का प्रकाश आदि। List all the things the boy said he needed. उन सभी चीजों की सूची बनाओ जो लड़के ने कहा उसे आवश्यक है। The boy needed money, house, boat. लड़के को रुपये, घर व नाव की आवश्यकता है। The boy looked sullen and complaining. Why? लड़का हठी और शिकायत करने वाला लगता था। क्यों? The boy looked sullen and complaining because he needed a house. लड़का हठी और शिकायत करने वाला लगता था क्योंकि वह एक घर चाहता था। What happened at last? अंत में क्या हुआ? At last the boy became tired and sat down in the warm sunshine on the tree's stump and both were happy. अंत में लड़का थक गया और सूरज की गर्मी में वृक्ष की ठूंठ पर बैठ गया तथा दोनों खुश थे। How did the boy spend his time? लड़के ने अपना समय कैसे व्यतीत किया? The boy spent his time playing near the large and old mango tree. लड़के ने अपना समय बड़े तथा बूढ़े आम के वृक्ष के पास खेलकर व्यतीत किया। Who was more loving, the boy or the tree? Why? कौन ज़्यादा प्यारा था, लड़का या वृक्ष? क्यों? The tree was more loving because it sacrificed everything and never stopped giving. वृक्ष ज़्यादा प्यारा था क्योंकि उसने सब कुछ बलिदान कर दिया और कभी देना बंद नहीं किया। Why was the knave of hearts taken as a prisoner? गुलाम को बंदी क्यों बनाया गया था? The knave of hearts was taken as a prisoner, accused of stealing tarts made by queen of hearts. गुलाम को बेगम द्वारा बनाई गई मिठाई की चोरी के आरोप में बंदी बनाया गया था। Why did the king wear the wig and the crown? राजा ने wig तथा मुकुट दोनों क्यों पहना था? The king wore both the wig and the crown so that people might know he was a judge as well as a king. राजा ने wig और मुकुट दोनों ही पहना था ताकि लोग जान सके वह राजा के साथ साथ न्यायाधीश भी थे। How many members were there in the jury? वहाँ पंच के रूप में कितने सदस्य थे? There were 5 members in the jury. वहाँ पंच के रूप में 5 सदस्य थे। What did the queen say when she was angry?
रानी क्या कहती थी जब वह क्रोधित होती थी? The queen said off with her head when she was angry. रानी कहती थी उसका सर कलम कर दो जब वह क्रोधित होती थी. Is this a real story or a dream? Read out the line that justifies your answer. क्या यह एक वास्तविक कहानी थी या स्वप्न? उस पंक्ति को पढ़िए जो तुम्हारे उत्तर से न्याय करे. This is a dream. The line that justifies it is. All the poor little jurors came tumbling out of it. Alice picked them all up again very carefully. यह एक सपना है. पंक्ति जो इसे बताती है वह है सभी बेचारे नन्हे पंचगण भी एकाएक उससे गिर पड़े. एलिस ने उन सबको बड़ी सावधानी से उठाया. Why did the cards become angry? ताश के पत्ते क्रोधित क्यों हुए? The cards have become angry because Alice said them stuff and nonsense. She also said you are nothing but a pack of cards. ताश के पत्ते क्रोधित हो गए क्योंकि एलिस ने उन्हें बदमाश और मूर्ख कहा. वह उन्हें यह भी बोली कि तुम कुछ नहीं बस ताश की गड्डी के पत्ते मात्र हो. Did the cards really tumble down on Alice? Read out the line from the story to support your answer. क्या ताश के पत्ते वास्तव में एलिस के ऊपर गिरे? अपने उत्तर की सहायता के लिए कहानी से पंक्ति पढ़िए. No, that were only some leaves of the tree that wind had blown down upon her face. नहीं, वे केवल वृक्ष की पत्तियां थी जो कि हवा से उड़कर उसके चेहरे पर आ गिरी थी. What does the railway carriage move faster than? रेलगाड़ी किससे अधिक तेज चलती है? रेलवे कैरिज मूव्स फास्टर देन फेरीज विचेस ब्रिजेस हाउसेस हेजेस एंड डिचेस ETC. रेलगाड़ियाँ परियों जादूगरनियों पुलों घरों झाड़ियों तथा खाइयों आदि से तेज चलती है. हाउ डू द फास्ट मूविंग बोगीज लुक लाइक? तेज गति से चलता रेल का डिब्बा कैसा दिखता है? द फास्ट मूविंग बोगीज लुक लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल. तेज गति से चलता रेल का डिब्बा युद्धक सैनिकों की टोली जैसा दिखता है. व्हाट डज द ट्रेन पास थ्रू? रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरती है? द ट्रेन पासेस थ्रू द ब्रिजेस द मीडोज द हॉर्सेस केटल हिल्स रिवर्स एंड द प्लेन ETC. रेलगाड़ी पुलों से होकर चारागाह से घोड़ों से पशुओं से पहाड़ियों से नदियों से तथा मैदान आदि से होकर गुजरती है. What do the sides of the hill and the plain look like from the fast moving railway carriage? तेज गति से चलती रेलगाड़ी की बोगी से पहाड़ियों का दृश्य तथा मैदान कैसा दिखता है? The sides of the hill and the plain look like as thick as driving rain. पहाड़ियों का दृश्य तथा मैदान उड़ता हुआ इतना घना जितना चलती हुई वर्षा सा दिखता है. Have you ever been in a fast moving train? Make a list of things that you see from the train. क्या तुमने कभी तेज गति से चलती रेल में यात्रा की है? उन चीज़ों की सूची बनाओ जो तुमने चलती रेल से देखी. Yes, I have been in a fast moving train and I see following things. First, trees and houses which appeared as if they were running opposite direction. Second, green fields, many villages, town, bridge, rivers, etc. Third, cattle, wild animals. Fourth, moon and the stars at night, etc. हाँ, मैंने तेज गति से चलती रेल में यात्रा की है. मैंने निम्नलिखित चीजें देखी. फर्स्ट, पेड़ तथा घर जो ऐसे लगता था मानो कि विपरीत दिशा में दौड़ रहे हों. सेकंड, हरे भरे खेत गांव, शहर पुल नदियां आदि. थर्ड, पशु तथा जंगली जानवर. फोर्थ, रात्रि के समय चंद्रमा तथा तारे आदि.
Why is Naran Bhai Karandia called the peacock doctor? Naran Bhai Karandia मोर के चिकित्सक क्यों कहलाते हैं? Naran Bhai Karandia loves a peacock, the national bird, so much. If he learns that a peacock is ill or injured within 200 km, he rushes it once and treats it. So he is called the peacock doctor. Naran Bhai Karandia राष्ट्रीय पक्षी मोर से बहुत प्रेम करते हैं। यदि उन्हें 200 किलोमीटर से भी मालूम पड़े कि एक मोर बीमार है या जख्मी है, तुरंत जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। इसलिए वह मोर के चिकित्सक कहलाते हैं। What is the advanced locality management program? उन्नत रहवासी प्रबंध कार्यक्रम क्या है? मुंबई म्युनिसिपैलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड एडवांस्ड लोकेलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। इट रिक्वायर्ड कॉलोनिस्ट सेपरेट देयर वेट एंड ड्राई गार्बेज। मुंबई नगर पालिका का सौंदर्यीकरण कार्यक्रम उन्नत स्थान प्रबंध कार्यक्रम कहलाता है। यह कॉलोनी के लोगों से अपने गीले और सूखे कूड़े करकट अलग रखने की अपेक्षा करता था। हाउ है शर्मा हेल्पड क्लीन अप हिज स्ट्रीट। शर्मा ने अपनी गली को स्वच्छ रखने में कैसे सहायता की? शर्मा यूज्ड म्युनिसिपैलिटीज प्रोग्राम इन हिज स्ट्रीट विथ 600 ओल्ड रेसिडेंट्स। दे टर्नड देयर वेट गार्बेज इनटू कंपोस्ट फॉर प्लांट्स एंड हायर्ड रैक पिकर्स टू टेक अवे ड्राई गार्बेज। शर्मा ने नगर पालिका के कार्यक्रम का अपनी गली के 600 अलग आवासों के साथ प्रयोग किया। उसने अपने गीले कूड़े करकट को पौधों के लिए खाद में बदल दिया और सूखे कूड़े करकट ले जाने के लिए भाड़े के कूड़े करकट वाले रख लिए। हाउ डिड द सिंगर अभिजीत हेल्प द कपल एंड द एक्सीडेंट विक्टिम। गायक अभिजीत ने दंपति तथा घायल व्यक्ति की मदद कैसे की? द सिंगर अभिजीत हेल्पड द कपल एंड द एक्सीडेंट विक्टिम बाय एडमिटिंग देम इन द हॉस्पिटल एंड रिक्वेस्टेड डॉक्टर्स टू ट्रीट देम। गायक अभिजीत ने दंपति तथा घायल व्यक्ति की मदद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा के तथा डॉक्टरों से उपचार के लिए निवेदन करके की। What message do you get from the story? The noteworthy singer. तुम्हें लोकप्रिय गायक कहानी से क्या संदेश मिलता है? The message from the noteworthy singer is you can save a life, so don't hesitate to help the accident victims. लोकप्रिय गायक से शिक्षा मिलती है कि तुम एक जीवन बचा सकते हो, इसलिए दुर्घटना में घायल की सहायता करने से संकोच ना करो। Why does वसंत कालबाग प्रमोट काइंडनेस अमॉन्ग पीपल। वसंत कालबाग लोगों के बीच दया को क्यों बढ़ावा देते हैं? वसंत कालबाग प्रमोट्स काइंडनेस अमॉन्ग पीपल बिकॉज इफ ओनली पीपल वर काइंड टू वन अनादर द वर्ल्ड वुड बी अ मच बेटर प्लेस। वसंत कालबाग लोगों के बीच दया को बढ़ावा देते हैं क्योंकि यदि लोग एक दूसरे के प्रति सिर्फ दयालु होते, यह दुनिया सबसे अच्छा स्थान होता। हाउ वॉज आमला मैरी एबल टू प्रिवेंट द रेल ट्रेजिडी। आमला मैरी रेल दुर्घटना रोकने में कैसे सफल हुई? आमला स्टार्टेड रनिंग ऑन टू द ट्रैक विथ वेविंग पल्लू ऑफ हर रेड सारी व्हेन ड्राइवर स्लोड डाउन एंड केम नियर सी शाउटेड लैंडस्लाइड द ड्राइवर यूज्ड इमरजेंसी ब्रेक्स एंड स्टॉप्ड द ट्रेन। इन दिस वे आमला वॉज एबल टू प्रिवेंट द रेल ट्रेजडी। आमला अपनी लाल साड़ी का पल्लू लहराते हुए पटरी पर दौड़ने लगी। जब चालक ने गति धीमी की और पास आया, वह चिल्लाई लैंडस्लाइड। चालक ने आपातकालीन ब्रेक लगाई और रेल रोक ली। इस प्रकार आमला रेल दुर्घटना रोकने में सफल हुई। व्हाट इज द कल्पना चावला अवार्ड गिवन फॉर। कल्पना चावला पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? द कल्पना चावला अवार्ड इज गिवन फॉर करेज एंड डेयरिंग एंटरप्राइज।
कल्पना चावला पुरस्कार साहस और साहसिक कार्य के लिए दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।